फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आज बहुत दिन बाद ये व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं, और आज ये व्लॉग तो शूट करना ही था बिकॉज ये बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। मैं जा रही हूँ कैंपिंग के लिए और मैं फर्स्ट टाइम कैंपिंग के लिए जा रही हूँ, इसलिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये और ज़्यादा एक्साइटिंग, ये कैंपिंग और ज़्यादा लाइट, थोड़ा लाइट में आ जाती हूँ, ये कैंपिंग थोड़ा और ज़्यादा एक्साइटिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि हम लोगों ने आरवी बुक की है और हम लोग आरवी में रहने वाले हैं, रुकने वाले हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मैंने कभी आरवी अंदर से नहीं देखी। आरवी बेसिकली एक बस होती है, एक बड़ी बस जिसको तुम बुक करते हो, सिर्फ एक ही फैमिली रुकती है उसमें, एक या मतलब अपनी फैमिली रुकती है। सो आरवी बेसिकली एक बस होती है जिसमें बेडरूम होता है, टॉयलेट बाथरूम होता है, किचन होता है, फ्रिज होता है, सब कुछ होता है, और तुम ड्राइव कर सकते हो उसे। तो वो हमने रेंट की है। मैंने बाहर से बहुत लोग, यहाँ अमेरिकन्स के मोस्टली, बहुत सारे अमेरिकन्स के घर के बाहर आरवी खड़ी रहती है। मैंने बहुत बहुत लोगों के घर के बाहर देखी, लोगों ने, लोग खरीद के रखते हैं यहाँ पे। यूजुअली अमेरिकन्स तो बहुत कैंपिंग करते हैं, ये सब चीज़ें करती हैं, बट हमने तो रेंट की है। बट मैंने बहुत अमेरिकन्स के घर के बाहर खड़ी हुई देखी है। बट दिस इज माई फर्स्ट टाइम, जब मैं अंदर से जाके देखूंगी तो दिस विल बी रियली एक्साइटिंग बिकॉज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। मेरी जो दीदी जीजू हैं वो ऑलरेडी जो पहुंच चुके हैं वहाँ पे, मेरी नीस। हम लोग ऑफिस ख़त्म करके अब निकलेंगे, तो वहाँ दीदी बता रही थी कि बहुत अच्छी है पूरी आरवी। और एक और फैमिली है जिसके साथ हम कैंपिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अलग उन लोगों ने आरवी बुक की है। एंड ये इस आरवी में मैं, रवि और रवि की सिस्टर, मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी नीस, हम लोग रुकेंगे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। हम लोगों ने रात को ग्रिल करने के लिए कुछ वेजीज़ लिए हैं, पनीर लिया है, चिकन को मैरिनेट किया है अच्छे से। मैं वो वीडियो शूट करना भूल गई, मैं इतना टायर्ड हूँ ना सुबह से कि क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है, उसकी वजह से सारी चीज़ें रखना, ये वो करना। ये पीछे से बैकग्राउंड आवाज़, अभी रवि नहाने गए हैं अभी। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ अपनी कैरेवैन। घुसते ही राइट साइड में है ये बेडरूम, बड़ा सा बेडरूम, अच्छा कोजी सा, बहुत वेंटिलेटेड था, बहुत सारे कैबिनेट्स थे। और उसके बाहर निकलते ही टीवी है, टीवी के नीचे भी कैबिनेट्स हैं, सीडी प्लेयर वगैरह भी है, सोफ़ा लगा हुआ है, सोफे पर आराम से बैठ के टीवी इंजॉय कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल पर आराम से बैठ के टीवी इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। बहुत सारे कैबिनेट्स हैं यहाँ पर। राइट साइड घुसते ही डोर के है सिंक, वाटर सिंक, गैस अवन, माइक्रोवेव, छोटा सा फ्रिज, और ये लेफ्ट साइड है छोटा सा टॉयलेट और बाथरूम। बहुत जल्दी जल्दी मैं एक्चुअली मैं पूरा वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ ये निकलते टाइम मैंने वीडियो शूट किया था, आते टाइम तो सामान था इसलिए ज़्यादा कर नहीं पाई थी। और ये है दो बंक बेड, चार बंक बेड। राइट साइड वाले ऊपर वाले बंक बेड पर रवि सोए थे और लेफ्ट वाले में मैं। बेडशीट्स हम घर से लेकर आए थे, बेडशीट पिलो सब कुछ, और विंडोज़ इतनी वेंटिलेटेड थी ये कैरावैन। और सारे बर्तन दिए थे खाने पीने के, बनाने के सारे बर्तन गिवन थे, बट तब भी हम घर से लेके गए थे बिकॉज़ यू नो हम लोग बर्तन जनरली लेके जाते हैं अपनी पूरी प्रिपरेशन करके, तो बनाने वाले बर्तन भी लेके गए थे और यूज़ एंड थ्रो प्लेट्स वगैरह भी लेके गए थे। दोबारा देख लो दोस्तों, बड़ा अच्छा सा ग्रैंड बेडरूम, पूरा कैरवान, बड़ा मज़ा आया, बहुत ही सिंपल येट सो डिफरेंट एक्सपीरियंस। ऑफिस है जहाँ से आप घुसेंगे और फिर एंटर करने के लिए ना ये लगे हुए हैं बैरियर्स, तो ऐसे कोई भी एंटर नहीं कर सकता है, आप बहुत सेफ रहेंगे पूरे कैंपस के अंदर। यहाँ पे सामने स्विमिंग पूल भी है। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और ये है हमारी कैंपर वैन। और ये देखिए कितनी सारी कैंपर वैन्स खड़ी हुई हैं यहाँ पे। हम जल्दी से सनराइज़ देखने जा रहे हैं, तो मैं ये वीडियो बंद करती हूँ, फिर आपको डिटेल में दिखाऊँगी। रवि बैठ चुके हैं कार के अंदर, लेट्स गो। ये देखिए ये हाउसेस बने हैं बीच पे। ये बीच हाउसेस ना बहुत एक्सपेंसिव होते हैं अगर ख़रीदने जाओ तो, लाइक दे आर इन मिलियंस, 10-20 मिलियन में बिकते हैं, क्योंकि ये जस्ट ऑपोजिट टू बीच है, उधर बीच है। हमने डिसाइड किया कि पहले वॉक कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद जाएंगे हम लोग बीच पे। पर ये जो हाउसेस हैं इनको रेंट कर सकते हैं, मोस्टली ये रेंटल ही होते हैं, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, और लोग इन्हें रेंट करते हैं, गर्मियों में आके रहते हैं, इन्जॉय करते हैं। हाँ सही में ये मंदिर की तरह बना है, रवि बोल रहे हैं, और लिटरली ये मंदिर की तरह बना हुआ है, तो यहाँ पर लोग इन्जॉय करते हैं। और ये जो मैं जैकेट पहन के आ गई हूँ, ये वाली फर वाली, रवि तो गुस्सा कर रहे हैं कि मुझसे दूर रही, मैं कोई जानता नहीं हूँ मैं, आप कोई देखे तो, क्योंकि इतनी ठंड नहीं है, पर ये जैकेट बाहर पड़ी थी तो मैंने सोचा पहन लेते हैं। यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं, ठीक है, अच्छा लग रहा है घूमने में। लोग तो हाफ टी शर्ट और हाफ उसमें ही घूम रहे हैं, मैं ही हूँ बस।
डंकिन से ले ली है हमने अपनी कॉफ़ी, रवि ने भी ले ली, मैंने भी ले ली, और थोड़ा सा कुछ खाने का सामान, ये डोनट ले लिए हैं हमने एक डज़न, और बेगल विद चीज़। ऐसे ही खा लेंगे डोनट तो। अब इन हसीन वादियों में डोनट, मैं डोनट वोनट खाती नहीं हूँ कभी, पर ये अच्छा लगता है मुझे, कस्टर्ड जिसमें भरा रहता है, तो ये हाफ खा रही हूँ मैं। सुबह सुबह का टाइम है, कितना कोई मीठा खाएगा यार। आग जलाने की पूरी कोशिश की जा रही है, आग जलाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है रियली, पता चला वहाँ जाके। ये ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, लंच बनाने के लिए हम लोग आग जलाने में लगे हुए थे। ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने ब्रेड ऑमलेट खाया, और लंच में लबाबदार चिकन और राइस, और जो लकड़ी पे बनी हुई चिकन राइस का मज़ा होता है ना, वो गैस पे नहीं है किसी भी खाने का। इनफैक्ट जो लकड़ी पे बना कर है वो घर में किचन में आ ही नहीं सकता। का लंच जो है वो डन है, हो चुका है, और हम लोग जाने वाले हैं वाइनरी, वाइन यार्ड बेसिकली, आप लोगों को लेके चलूँगी मैं, दिखाऊंगी, और उसके बाद बीच भी जाना है, बीच पहले जाएंगे, वाइन यार्ड देखते हैं, और लाइट हाउस भी जाना है। सो लेट्स सी, चलते हैं और मैं दिखाऊंगी, देखिए कितनी सारी कैरावान्स दिख रही हैं पीछे, कितना अच्छा लग रहा है। नहा धो के रेडी हो चुके हैं, लंच भी हो चुका है, अभी इस वेदर को इंजॉय कर रहे हैं, इतना अच्छा वेदर है, ठंडा हो गया, हल्का हल्की धूप निकली है, एकदम अच्छा लग रहा है। सो गरिमा कैसा लग रहा है, इधर देखो ना वीडियो में मेरी जान, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग? आई फील गुड। यू फील गुड, डोंट लीव द कीज इनसाइड द कार, ओके? आई वोंट, यू कांट लीव देम, ओके? या बट यू कांट लीव देम इनसाइड द कार। अच्छा बताओ तो वीडियो में, आई हैव टर्न ऑन द वीडियो, यू हैव टू टेल हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट ऑल यू डिड यू डू? आई एम फीलिंग गुड टुडे, आई जस्ट एट लंच, आई हैड, और इसने ना अंदर ही कपड़ों के अंदर अपना स्विम सूट भी पहन रखा है। When we go to the beach, you'll see my whole swimsuit. Yeah, yeah, right, right. पूरा swimsuit देखोगे इसका जब बीच पे जाओगे। अपना स्विम सूट पहन के गई थी सुबह जब जू गई थी, तो कि उसके बाद तो मुझे सीधा बीच जाना है, लाइक शी लव्स बीच, तो ये पूरी बीच की फ़ैन है, इसको सुबह से सिर्फ बीच ही जाना है, कि जल्दी बीच ले चलो यार, क्या कर रहे हो, क्या ब्रेकफास्ट कर रहे हो, क्या लंच, क्या क्या खाना पीना चल रहा है, बीच जाना है। सो गरिमा इज़ लाइक कम्प्लीटली अ बिग फैन ऑफ बीच, ये बहुत अच्छी स्विमिंग करती है। ये रहा लाइट हाउस, यहाँ केप में का बहुत फेमस लाइट हाउस है, यहाँ से मैंने फ्रिज मैगनेट भी खरीदे लाइट केप में के, तो बहुत म्यूज़ियम था एक छोटा सा नीचे, और इसमें बहुत सारी 240 या कुछ सीढ़ियाँ थी, तो वो तो हम चढ़ के गए कोविड में, वहाँ अंदर किसी एक आदमी में लगे हुए हैं, और बगल में बीच था, बीच में गए सारे, न्यू जर्सी के बीच अच्छे होते हैं, ये बीच पे एकदम साफ सुथरा अच्छा था वेदर, तो इसलिए मज़ा आया, ओवरऑल इन्जॉय किया। ये कैसल रवि ने बनाया था, मतलब बच्चों के साथ मिल के बच्चों ने रवि से बनवाया था। क्या कर रही हो, मार्शमेलो? इसको स्मोर्स बना के नहीं खाया आपने? नहीं नहीं, फ्रेश फ्रेश मॉर्निंग अगले दिन, और मेरे विंडो से व्यू देखिए कितना अच्छा है, कितना फ्रेश हरा भरा, और दूसरी कैरावान्स भी दिख रही हैं, और सनराइज़ हल्की हल्की सन रेज जो हैं वो आ रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख के विंडो के बाहर, और नींद भी बहुत अच्छी आई, क्योंकि एकदम ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन में सो रहे हैं। कोई अगर चल के भी जाता था ना, कोई उठा थोड़ा सा वॉशरूम के लिए या कुछ, तो पूरी कैरावान हिल जाती थी, तो बहुत अच्छा लगा। इतने टाइम बाद लगा जैसे ट्रेन पर चल रहे हैं। ये रवि का, ये मेरा बेड है, हाँ सॉरी, ये इसमें बेडशीट हम घर से लेकर आए थे, पूरा बिछा के, पिल्लो वगैरह, पिल्लो कवर, और नीचे ऐसे यूज़ सामान रखा हुआ है, नीचे वाले बेड्स हम लोगों ने यूज़ नहीं किए थे, और ऊपर वाले बेड पे रवि सोए थे, और एकदम बीच में ना ये सामान रखने वाला भी ऐसे ही बना हुआ था जैसे ट्रेन में नहीं बना होता है, बॉटल्स वगैरह रखते हैं, खाना रख के खाते हैं, तो पूरा ट्रेन वाला एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। Why are you not doing your class today? It's online, right? So you can do it. But not here because this is vacation. Why? So you can do it here.
I have to do it at home. No, you can do from here also. Nah. Homeschooling doesn't mean that you have to sit at home and then you have to join online classes. When we are home, I will do the. और ये आ गए हैं हम लोग वाइनयार्ड. वाइनयार्ड में मैंने फ़र्स्ट टाइम ग्रेप्स ऐसे लगे हुए देखे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए बिकॉज मैंने कभी ग्रेप्स ऐसे तोड़ के खाए नहीं है. मैंने एप्पल के फार्म्स देखे हैं, स्ट्रॉबेरी के देखे हैं, बट कभी भी ग्रेप्स के नहीं देखे थे तो मेरे को बहुत अच्छा लगा. ब्लैक वाले ग्रेप्स तो एकदम ना ब्लैकबेरी की तरह लग रहे थे, सॉरी ब्लूबेरी की तरह लग रहे थे. वो देखने में भी ब्लूबेरी जैसे लग रहे थे और टेस्ट भी पूरा ब्लूबेरी जैसा आ रहा था. ग्रीन ग्रेप्स भी लगे हुए थे, ग्रीन ग्रेप्स तो नॉर्मल टेस्ट के थे पर ब्लू वाले तो ब्लैक वाले तो एकदम ब्लूबेरीज जैसे लग रहे थे. और यहाँ पे वाइन टेस्टिंग भी की थी हम लोगों ने. वाइन टेस्टिंग के लिए बहुत बड़ा सा चीज़ प्लेटर देते हैं जहाँ पे जिसमें चीज़ होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की और वाइन होती है. वाइन यहीं पे बनी होती है तो वो भी एक अच्छा अलग एक्सपीरियंस था. अभी कोविड की वजह से थोड़ी कम भीड़ थी, अदरवाइज़ यहाँ पर मेरे ख्याल से और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा रश रहता होगा. हम लोग आए हुए हैं वाइन यार्ड और बहुत अच्छा है. यहाँ पे वाइन टेस्टिंग भी करते हैं और यहाँ पे ग्रेप्स लगे हुए हैं, उसके बाद वाइन यहाँ बनती है और वाइन टेस्टिंग करवाते हैं. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है. यहाँ पे मैंने ग्रेप्स देखे, फर्स्ट टाइम देखे लगे हुए ऐसे, अदरवाइज़ मैंने कभी ग्रेप्स देखे नहीं है. ये देखे पीछे और भी मेरे बहुत सारे पेड़ हैं और इस साइड और भी. अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज चेकआउट करना है तो अभी मैंने पैकिंग कर ली है. पैकिंग का बहुत सिंपल फंडा रखा है, ऐसी छोटी ट्रिप्स में अगर आना चाहिए तो मुझे लगा अभी, स्पेशली जब कोविड का टाइम है और कितना सामान बैग्स वगैरह तो मैं हमेशा वॉश करती हूँ जो भी लेकर आती हूँ. और अगर सूटकेस वगैरह तो हम कम ही कैरी करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो जनरली हम हमेशा बैग्स लेके जाते हैं, बैग पैक. सो दैट क्या होता है कि घर में उसे एक तो ले के कहीं भी जाना ईजी होता है, वो सूटकेस टांग के घूमते रहो, एंड दूसरी चीज़ आके धोना वोना बहुत ईजी होता है. पर हाँ, जब मैं इंडिया वगैरह से भी ट्रिप करके आती हूँ तो मैं अपने पूरे सूटकेस, नॉर्मल कोविड नहीं भी था तब भी हमेशा सैनिटाइज़ करके धूप लगा के तभी रखती हूँ. और यहाँ से जब इंडिया जाती हूँ तो सेम चीज़ करती थी कि धूप लगा के रखती थी. धूप ही लगाना सबसे बड़ा सैनिटाइजेशन होता है हम लोगों का, इंडियंस का. तो मैं पहले भी ये करती थी, पर हाँ US में थोड़ा वाइप्स वगैरह से अच्छे से वाइप कर देती थी. यहाँ पे जो ही क्लोरिक्स वाइप्स वगैरह बहुत ईजिली अवेलेबल रहते हैं. और इंडिया में भी गीले कपड़े से पूरा ऊपर नीचे अंदर बाहर पोंछ के और धूप लगा देना अच्छे से, यहाँ पे भी बालकनी में धूप लगाना, दिस आई ऑलवेज डू. और यहाँ पे मैं आई तो मैंने सबसे अच्छा काम किया कि एक एक्स्ट्रा बैग लेकर आई थी. मैं एक्स्ट्रा बैग क्या, उसमें जिसमें मैं बेडिंग लेकर आई थी, ओढ़ने वाली जो बेडशीट होती है, वो ये सब हमारे ही बंदे हैं जो घूम रहे हैं पीछे. तो चलिए वॉक करने जा रही हूँ मैं रवि के साथ. और वो बेडशीट्स वगैरह लेकर आई थी, बिछाने वाली, पिल्लो कवर, ये वो सारे तो बिछ गए. उसके बाद जो कपड़े यूज़ होते गए, जो मेरा बैग मैंने अलग पैक किया था, रवि का अलग बैग किया था, बैकपैक. और तीन दिन का ट्रिप था बेसिकली. तो इतने 3 दिन के ट्रिप में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कपड़ों की, जो भी बेसिक रात को पहन के सोने के और दिन को जाने के और एक दो एक्स्ट्रा ये सब ट्रैक पैंट लेकर आए थे. कितना अच्छा है, बारिश भी हो तो कितना अच्छा है. तो हाँ, अमेरिकन तो बहुत अच्छे से कैंपिंग करते हैं, लाइक दे हैव एवरीथिंग सेट. उनके पास तो रहता ही है सब कुछ, A to Z सारी चीज़ें. बहुत अच्छा, पीछे अगर दिखाऊं तो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, टेंट वेंट लगा रखा है उन्होंने. तो हाँ, तो जो यूज़ होते गए ना कपड़े, वो मैं उस थर्ड बैग में डालती गई जो बेडिंग का बैग था. और अब मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे पैक करना है, बहुत वो है कि जल्दी जल्दी जाने कपड़े पैक करने हैं, कपड़े सेट करने हैं, कुछ नहीं. मेरा सब कुछ अंदर ही है, सारी चीज़ें एज इट इज़ पैक्ड हैं. और थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड रहना मुझे तो ज़्यादा पसंद है, तो सब कुछ ऐसे करके पैक करती. अब कुछ भी बाहर नहीं है, मेरा चार्जर लेना है बस, मुझे वॉच पहननी है, वॉच चार्जिंग पर लगी हुई है. तो रवि की वॉच रवि ने पहन रखी है. तो यही बेसिक चीज़ें कुछ एक दो हैं जो बाहर रखनी है, बाकी टूथब्रश, टूथपेस्ट सब कुछ अंदर यूज़ करने के बाद, पाउचेस सबके अलग बना के लेकर आई थी. सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, थोड़ा ईजी हो जाता है. और अब लास्ट मिनट आराम से घूम रहे हैं, अभी 1 घंटे में चेकआउट करने हैं, बट वी डोंट हैव एनी टेंशन. बस मुझे तैयार होना है, रेडी होना है और निकलना है. इसके बाद हम लोग वाइनरी जाएंगे यहाँ पे. तो यही, लाइफ को थोड़ा ईजी बनाएं, इंजॉय करें. देखिए कितनी अच्छी सी धूप नहीं निकली पर कितनी अच्छी लाइट है, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे. बस थोड़ी देर के लिए मैं और रवि 3-4 घंटे थोड़ा बीच पे रहे. थोड़ा अच्छा वेदर था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो वहाँ पर एंजॉय किया.
घर ऑलमोस्ट 2 घंटे के ड्राइव पे था, तो ऐसे ही थोड़ी बहुत मंचिंग करके रेस्ट एरिया में रुके, एक जगह मंचिंग करके गए और मज़ा आया। पूरा जो ड्राइव था ना वो इतना इतना ब्यूटीफुल है, और अभी जब वेदर चेंज हो रहा है तो और अच्छा लगता है, बिकॉज अब ग्रीनरी लास्ट के ही कुछ टाइम है जब दिखेगी, उसके बाद तो फॉल आ जाएगा और सब कुछ उसके बाद ड्राई हो जाएगा। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, मेरा ट्रैवल ब्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। सी यू गाइस, आई होप यू गाइस विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।